गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में है ना हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहू आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ है ना एम इज एंड आर के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग यूज ऑफ एम इज एंड आर के बारे में जानेंगे बबुआ। तो देखिएगा बबुआ, अगर कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसके नियम को जानना ज़रूरी होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाने का नियम जानेंगे। तो देखिए बनाने का नियम क्या कहता है, कहता है अगर एडजेक्टिव समझ में आ रहा है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। आया समझ में, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि पढ़ना नहीं होगा, मीठा, अच्छा, लंबा, बूढ़ा, है ना, ये सब क्या हो एडजेक्टिव है ना। तो कहता है कि अगर एडजेक्टिव के बाद हैं हो लगा हुआ रहे तो उसको हम लोग बनाते हैं इज एंड आर के द्वारा, समझे। तो देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है बबुआ, जो हम लोग जानेंगे। देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव। अब आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब्जेक्ट है क्या, है कि नहीं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। यहाँ बार बार आप बोल रहे हैं सर सब्जेक्ट, है ना, तो जो बबुआ जानते होंगे उनके लिए तो आसान है, और जो बबुआ नहीं जानते होंगे तो उनको लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो देखिए बबुआ, यहाँ पे हम लिख दिए हैं सब्जेक्ट के स्थान पर या तो आपको रहेगा आई, या तो रहेगा बी, या तो यू, या तो दे, या तो ही, या तो सी, या तो इट, या तो सिंगुलर नाउन एस एन से हो गया सिंगुलर नाउन, या फिर प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन या तो प्लूरल नाउन। अब देखिएगा समझिएगा यहाँ पे सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। तो देखिएगा बहुत सिंगुलर नाउन कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी एक नाम हो, सिंगुलर हो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा, तो यहाँ पे देखिए लड़का सिंगुलर है ना, समझे। प्लूरल में क्या हो गया कि राम और श्याम, सीता और गीता, लड़के, कुर्सियाँ, ये सब क्या हो गया, प्लूरल नाउन आ गया। आया समझ में। तो देखिएगा बबुआ, हम लोग अनुवाद बना के देखते हैं, इसका एग्जांपल देखिएगा कैसे बनाएंगे। कहता है मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं है, तो मैं के क्या हो गया आई, है ना, मैं क्या हो गया आई, आई के साथ बबुआ हो क्या लगाते हैं, तो आप तो जानते हैं कि एम लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं बबुआ हो एम, और उसके बाद गरीब का क्या होगा पुअर, गरीब का क्या हो गया पुअर। आया समझ में। इसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे कि हम लोग धनी हैं, तो हम लोग का क्या होता है बबुआ हो बी, और बी के साथ क्या लगाते हैं आर, और धनी के क्या होता है रिच। अगला है रामू दुबला है, तो रामू को हो गया रामू, और रामू है सिंगुलर नाउन, नाउनों में कौन सा नाउन है सिंगुलर नाउन है, तो रामू के साथ क्या लगा देंगे इज लगा देंगे। उसके बाद दुबला के होता है थिन, दुबला के थिन होता है बबुआ। तो चलिए बबुआ हो, अब हम लोग चलते हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज वन की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज एक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग बेसिक जानकारी लिया था, है ना, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज एक को पढ़ेंगे। चलिए बबुआ, पहला क्या कहता है कि मैं खुश हूँ, तो देखिए मैं का क्या हो गया आई, आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं बबुआ हो एम, और उसके बाद खुश के क्या होता है हैप्पी, इसका क्या बन गया ट्रांसलेशन आई एम हैप्पी। देखिए अगला मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं का क्या हो गया बबुआ हो आई, आई के साथ क्या लगाते हैं एम, उसके बाद स्वस्थ के क्या होता है हेल्दी, इसको क्या बना दिए
आई एम हेल्दी, है ना, मैं चालाक हूँ। अगला है मैं चालाक हूँ, तो मैं का क्या हो गया आई, आई के साथ क्या लगाते हैं एम, और चालाक के क्या होता है क्लेवर, चालाक के क्या होता है क्लेवर। अगला देखिए कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, तो तुम का क्या हो गया यू, यू के साथ बगवा हो क्या लगाते हैं आर, है ना। ये सब चीज़ हम पहले पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि किसके साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, है ना, यू बी दे, है ना, ये सब के साथ आर के प्रयोग करते हैं, पूर्ण नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। पिछला वीडियो जो भी नहीं देखे हैं बगो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, पिछला वीडियो में सारा बता चुके हैं। अगला कहता देखिए कहता है तुम बुद्धिमान हो तो क्या बन गया यू आर वाइज, है ना। अब अगला चलते हैं, देखिए अगला क्या कहता है बगो, आप लोग मेहनती हैं, आप लोग मेहनती हैं, तो आप लोग के बताइएगा मीनिंग जी, तो यू, यू के साथ क्या लगाते हैं बगो आर, मेहनती के क्या होता है लबोरियस, तो बन गया हमारा ट्रांसलेशन यू आर लबोरियस, है ना। देखिए अगला है कि तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोग ईमानदार हो, तो तुम लोग के क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगाते हैं आर, और उसके बाद ईमानदार के क्या होता है जी ऑनेस्ट, तो हमारा बन गया ट्रांसलेशन यू आर ऑनेस्ट, है ना, मजा रहा है। चलिए बगो अगला देखिए, आप बहादुर हैं, आप बहादुर हैं, तो आपका क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगाते हैं आर, बहादुर के क्या होता है बगो ब्रेव, तो यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं, सीखे जी। अब देखिए बगो अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अगला कहता है हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग का क्या होता है बगा हो बी, बी के साथ क्या लगाते हैं आर, अमीर के क्या होता है जी तो रिच, तो हम लोग अमीर हैं तो बी आर रिच। अगला देखिए हम लोग दयालु हैं, तो हम लोग का क्या होता है बी, बी के साथ क्या लगाते हैं आर, दयालु के काइंड, तो बी आर काइंड, हम लोग दयालु हैं। अगला है राम तेज है, राम तेज है, तो देखिए राम के राम हो गया, राम के साथ क्या प्रयोग करते हैं इज का, उसके बाद तेज का क्या होता है इंटेलिजेंट, आया समझ में, तो राम इज इंटेलिजेंट। अगला है श्याम उदास है, तो श्याम के हो गया श्याम, और श्याम हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और उदास के क्या होता है सैड, तो श्याम इज सैड। देखिए अगला वह मोटा है, तो वह के हो गया ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं इज, मोटा के फैट, तो ही इज फैट, आया समझ में। चलिए बगवा हो अगला देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा वह मोटी है, तो वह का देखिए मोटी, तो मोटी यहाँ लड़की के लिए बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, तो सी, सी के साथ क्या लगाते हैं जी इज, उसको मोटी के क्या होगा फैट, तो सी इज फैट। अगला बुआ वह दुबला है, तो देखिए दुबला लड़का होता है, तो वह का क्या हो गया ही के साथ क्या लगाते हैं इज, उसको दुबला के थिन, तो ही इज थिन। अगला देखिए वह दुबली है, तो वह के हो गया सी, सी के साथ लगाते हैं इज, उसके बाद दुबली के क्या हो गया थिन, तो सी इज थिन, लड़की के बोध में सी, और लड़का के बारे में कहा जाए तो ही, ललन मजबूत है, तो ललन का ललन, ललन के साथ क्या लगाते हैं जी इज, उसके बाद मजबूत के क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, तो ललन इज स्ट्रॉन्ग। अगला देखिए वह निर्जीव, निर्जीव के बारे में कह रहा वह कड़ा है, तो वह के हो गया जयप्रिय, देखिए यह रहे चाहे वह रहे दोनों का निर्जीव में क्या करते हैं इट का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वह को हो गया इट, आ इट के साथ क्या लगाते हैं जी इज, आ कड़ा के क्या होता है हार्ड, तो इट इज हार्ड, आया समझ में कि नहीं, आ रहा ना बगवा हो, तो चलिए बगवा हो अगला हम लोग देखते हैं,
अगला कहता बच्चा उदास है, बच्चा उदास है। तो देखिए हम बताए थे आपको है ना कि जब निश्चित का बोध कराए है ना तो उसके पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बताइए बच्चा निश्चित है कि अनिश्चित, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट। तो बच्चा यहाँ क्या है, डिफिनिट है। तो द चाइल्ड इज सैड है ना, बच्चे उदास हैं, बच्चे उदास हैं। तो क्या हो गया, द चिल्ड्रेन आर सैड, वे लोग स्वस्थ हैं। तो वे लोग के क्या हो गया, दे, दे के साथ क्या लगाते हैं आर, स्वस्थ के क्या हो गया, हेल्दी। तो दे आर हेल्दी, आ रहा है समझ में कि नहीं बउआ हो, कमेंट करके बताइएगा जी। जो भी बउआ नए जुड़े हैं कृपया करके वीडियो को है ना लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पुरनकन तो हमारे बच्चे जानबे करते हैं कि सर का वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है कि नहीं। चलिए लाइक करने से होता है ना कि हमारे अंदर भी जुनून आता है कि चलिए बच्चा पार्टी मेरा अटेंडेंस बना दिया, इससे अटेंडेंस बनता है आपका कि कितना बच्चे सही से पढ़े है ना। चलिए बगो अगला क्या कहता है, वे लोग भूखे हैं, वे लोग भूखे हैं। तो वे लोग के क्या हो गया, दे, दे के साथ क्या लगाते हैं आर, उसके बाद भूखे के हंगरी। चलिए अगला कहता है वह पागल है, तो वह को हो गया ही के साथ लगाते हैं इज, उसके बाद पागल के क्या हो गया, मैड। तो ही इज मैड। देखिए सीता सुंदर है, तो सीता के सीता, सीता के साथ क्या लगाते हैं इज, और सुंदर के क्या हो गया, ब्यूटीफुल। तो सीता इज ब्यूटीफुल है ना। अगला राम दयालु है, तो राम के हो गया राम, राम के साथ क्या लगाते हैं इज, और दयालु के क्या हो गया, काइंड। तो राम इज काइंड। देखिए अगला लड़का अच्छा है, तो लड़का के क्या हो गया, देखिए यहाँ पर समझिएगा, लड़का अच्छा है यानी जोरदार रहा है ना। तो यहाँ लड़का क्या है, निश्चित है। तो द बॉय होगा, तो द बॉय इज गुड। चलिए बगो अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं लड़के अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं लिखिएगा, लड़के अच्छे हैं। तो देखिएगा द बॉयज आर गुड, मोहन डरपोक है, तो मोहन के मोहन, मोहन के साथ क्या लगाते हैं इज, उसके बाद टिमिड, डरपोक का क्या होता है, टिमिड। मेरा भाई चालाक है, तो माई मेरा भाई का क्या हो गया, माई ब्रदर, माई ब्रदर के साथ क्या लगाते हैं इज, उसके बाद चालाक के क्लेवर, तो माई ब्रदर इज क्लेवर। गीता कमजोर है, तो गीता के हो गया गीता, गीता के साथ इज, कमजोर के बिक है ना, तो गीता इज बिक। वह दुष्ट है, तो वह के हो गया बवह ही के साथ लगाते हैं इज, उसके बाद दुष्ट के क्या हो गया, बिकड, तो ही इज बिकड। आया समझ में, चलिए बवह अगला देखते हैं। अगला कहता है हमारा वे क्रूर हैं, तो वे को हो गया दे, दे के साथ लगाते हैं आर, अक्रूर के हो गया क्रूअल, तो दे आर क्रूअल। तुम और मैं भूखा हूँ, तो तुम को हो गया यू, और के हो गया एंड, मैं के हो गया आई। अब यहाँ पे देखिएगा बबुआ हो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आर लगाएं, यू के अनुसार आर लगाएं कि आई के अनुसार एम लगाएं, लग रहा होगा आपको। तो ये चीज़ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है तुम और मैं, तो तुम और मैं कै गो, दो गो, तुम और मैं कै गो, दो गो, तो दो गो हो गया यानी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ है क्या लगाते हैं बगवा हो, आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यू एन आई आर, और उसके बाद भूखा के हंगरी सीखे, ना इसमें यू के अनुसार लगेगा ना इसमें आई के अनुसार लगेगा, इसमें लगेगा सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो तुम और मैं, तो दो गो हो गया, तो दो गो यानी प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगला है उसी तरह के देखिएगा, राम और मैं प्रसन्न हूँ, राम और मैं प्रसन्न हूँ। तो राम के राम
और के एंड मैं के आई। अब देखिए राम एगो मैं एगो तो कै गो दो गो तो दोनों के दो गो हो गया प्लूरल तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं आर। उसके बाद पर्सन का क्या हो गया हैप्पी तो राम एंड आई आर हैप्पी। आ रहा है कि नहीं समझ में? दिक्कत रहेगा बउआ हो कमेंट करके बोलिएगा जी, है ना, कमेंट करके बोलिएगा बउआ हो। चलिए अगला देखते हैं बउआ हो। तुम और गीता अमीर हो, तुम और गीता अमीर हो तो तुम के हो गया यू और के हो गया एंड गीता के हो गया गीता। अब देखिए तुम और गीता तो यहाँ पे दो गो हो गया, कितना हो गया दो गो आदमी हो गया तो दो गो हो गया यानी प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं आर। आमिर का क्या होता है बगा हो रीच तो यू एंड गीता आर रीच। अगला देखिए राम और श्याम तेज है तो राम के हो गया राम और के हो गया एंड श्याम को हो गया श्याम। अब देखिए राम एगो श्याम एगो तो कितने दो तो दो गो के साथ दो गो हो गया यानी प्लूरल हो गया तो क्या प्रयोग करेंगे जी आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तेज के क्या होता है इंटेलिजेंट तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। अगला देखिएगा वे लोग मजबूत और मेहनती हैं तो वे लोग के क्या हो गया दे दे के साथ क्या लगाते हैं आर। मजबूत के हो गया स्ट्रॉन्ग और के हो गया एंड मेहनती के लबोरियस तो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लबोरियस। अगला देखिएगा बबू राम और मदन बहादुर एवं तेज है तो राम के हो गया राम और के हो गया एंड मदन के मदन। राम और मदन कै गो दो गो तो दो गो तो यानी पुलरल तो पुलरल हो गया तो क्या लगाएंगे आर। उसके बाद देखिए बहादुर को हो गया ब्रेव एवं को हो गया एंड तेज के हो गया इंटेलिजेंट तो हो गया पूरा क्या राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो बताइएगा बउआ हो वीडियो आपको कैसा लगा जी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बउआ हो मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ बउआ हो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को बीच में, है ना, इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। और जो बउआ हो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब बउआ हो थैंक यू फॉर वॉचिंग बउआ हो इतना देर तक ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, है ना। और इसको क्या कीजिएगा बउआ हो एक नोट्स बना लीजिएगा उसको रिविजन करते रहिएगा, है ना। तब फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।